ओम भयाम करणीय वेसनयाय वारलोकसे वासवे मोबाइल नीचे करो स्त्रीलाय सुनवा कंसस्तनो वेसे वही वाहि अरे भैया मोबाइल नीचे करो मोबाइल नीचे करो भगवान महादेवा साइड में करो साइड साइड में करो अरे रवि साइड में कर अमर जी भाई साइड में कर लाल भाई साहब जोरदार तालियों की घंटा के साथ में स्वागत संसदीय सचिव श्रीमान सुरेश सिंह जी रावत साहब सिंह से कि हमारे अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत करावे श्रीमान बख्तावर सिंह जी अगर आप तक पहुंचे तो आप बहुत तैयार रहे भाई अमर सिंह जी गोलर अध्यक्ष महोदय अभिजीत जी गोला सर उपाध्यक्ष महोदय दुर्गादास जी बावड़ी सचिव महोदय ब्राह्मण समाज को अनुग्रहित किया मैं मुख्यमंत्री जी से लेके यहाँ तक का मैं राजपुरोहित समाज को सच्चा नमन करता हूँ कि बच्चों के शिक्षा के लिए उन्होंने अपना कण कण दान करके ये हॉस्टल बनाया आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री मंच पे पधार चुके हैं सब ताली बजा करके एक बार दोबारा स्वागत करेंगे बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद देवनानी साहब आपने हमें और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय बदलाव आ जाता है और मैं बार बार कहती हूँ कि जितने संत महात्माओं को अपन बुला सकते हैं उनसे जितने लोगों से अपन प्रवचन करवा सकते हैं वो हमारे राजस्थान के लिए फायदा ही फायदा शत्रुघ्न जी गौतम अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिव शंकर जी हेड़ा सब विधायकगण जिला प्रमुख वंदना जी अजमेर महापौर धर्मेंद्र आते हुए मिले जब भी आए तो प्रसाद स्पेशल बना के मेरे लिए थोड़ा सा बना के अलग से दिया हमेशा ऐसे व्यवहार किया जैसे खुद की घर की बेटी हूँ और उसके लिए मैं हमेशा हमेशा उनको याद करती हूँ और ऐसे संत का दर्शन करने का मुझे ये मिला है मौका इतने बार बार मिला है ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनके समाज के अंदर मेरे को आने का मैं जी ने बहुत बड़ा मौका दिया अमर सिंह जी ये बात सही है मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हो रहा है मुझे नहीं मालूम था मैं जी ने बार बार मुझे ये कहा कि राजपुर में समाज मुझे लगा कि ये जयपुर में है तो मैं उनको हमेशा ये कह रही थी हाँ करेंगे अपन यही है जयपुर में करते करते जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि यहाँ है अजमेर के अंदर तो मैंने कहा चलो मैन जी कह रहे हैं अपने को चलना है दर्शन करना है उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया मेरे को स्वागत की घड़ी में श्री ओंकार सिंह जी लखावत धरोहर एवं
प्रगति प्राधिकरण अध्यक्ष का श्री भंवर सिंह जी भवाड़ा, जो हमारे पब्लिक लाइफ शुड बी सेटिस्फैक्ट्री इस मिशन ऑफ वसुंधरा चीफ मिनिस्ट्री एंड मोदी प्राइम मिनिस्ट्री। धन्यवाद। हेलो, साइड में करो, साइड में करो। अरे रवि साइड में कर, अमर जी भाई साहब साइड में कर ला। भाई साहब हमारे जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। और इसी स्वागत की घड़ी में हमारे बीच केलाजी शर्मा मोदी डोमी जयपुर हमारे बीच विराजमान है। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा खीम सिंह जी बुलर। खीम सिंह जी बुलर आज मुका खीम सिंह जी बुलर हमारे बहन जी। और इसी स्वागत की घड़ी के तहत हमारे बीच किसानों की इस भवन को निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा की आज के जो मुख्य आकर्षक है उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। आप मंच पे पधारे, हमारे मुख्यमंत्री जी का काल उठा करके स्वागत करें। प्राधिकरण के अध्यक्ष वयोवृद्ध हमारे ओंकार सिंह जी लखावत विराजमान है। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित। सामने जितना काम करके दे सकते हैं उतना काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अजमेर के अंदर कितने हजारों करोड़ मुझे लगता है, कितने 10,000 करोड़ 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ कितने हजार करोड़, 7,600 करोड़ रुपए 4.5 साल के अंदर दिए, जबकि कांग्रेस ने कितने दिए थे 2,400 करोड़ रुपए 5.5 साल के अंदर। मैंने कहा इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने एक एक दिन का दौरा आप लोगों के क्षेत्र में किया, सब लोगों से पूछा। अब यहाँ तक हो गया है कि हर पंचायत के अंदर 6-7-8 करोड़ रुपए लगे हैं, और जो ज्यादा दौड़ता है वो सरपंच ने 10 करोड़ रुपए तक भी दिए हैं, अपना काम करवाया है और पूरे क्षेत्र को चमकाने का काम अपने हाथ से मजबूती से दिया। हमारा काम यह है कि हम अपने पोते पोतियों के साथ जब बैठेंगे एक दिन तो हम ये कह सकेंगे उनको कि देखो ये राजस्थान आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है इस स्थिति में कि ये राजस्थान को आगे बढ़ाने का इस काम के अंदर एक छोटी सी आहुति हम सब की भी थी। ये आहुति देने के लिए आज हमारे बीच हम आपके बीच में खड़े हैं। मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ अमर सिंह जी, ये प्यार करोगे ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मत करो। राजनीति के अंदर कोई सच्चा प्यार किसी से करता है वैसे भी नहीं है, और जब हम लोगों को मिल जाता है तो हम बहुत लट्टू हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए तुलसीराम जी महाराज ने हमेशा हमको बांध के रखा हुआ है, और अब आप लोग उसी में चलोगे। जब नाराज हो जाते हो तो अच्छा लगता है कि मैं लगता है कि ठीक है हमको करने की जरूरत नहीं है, नाराज नहीं होते हो प्यार करते हो तो हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपने इतने प्यार से हमको यहाँ बुलाया है, हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के हमको आशीर्वाद दिया है, बस ये आशीर्वाद माताएं बहनें आप हमको देते रहना, अपने बच्चों को हमारे परिवार का एक हिस्सा मानना। एक बहुत बड़ा ऐसा परिवार राजस्थान बन जाए जिस परिवार के अंदर हम एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराएं, नाराज नहीं हो। एक ऐसा परिवार हो जिसके वृद्ध जन को हम संभालें, एक ऐसा परिवार हो जिसकी माताओं की इज्जत को बनाए रखने का काम हम करें, एक ऐसा परिवार हो जिसके बच्चों को हम अपना उदाहरण दिखा के कहें कि भैया तुमको इस तरीके से, या हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हैं उस तरीके से आपको बनने की जरूरत है, ऐसे प्रतीक उनके लिए बन जाए कि वो भी अपने जीवन को इसी तरीके से चलने में रखें, तो फिर इस राजस्थान को कौन रोक सकता है। मैं तो ये कह रही हूं कि मैंने 36 के 36 कौम सब मजहब अगर एक साथ चलें तो मजा आ जाएगा, सब एक थाली में रोटी खाएं तो मजा आ जाएगा, सब एक
उनको इतिहास याद नहीं रहता है, समय नहीं है ये पता करने को कि इतिहास क्या था, और समय नहीं है इसके बारे में दूसरे से बात करने के लिए। इसलिए हमने उस इतिहास को आसान करके पैनोरामा बना दिए हैं ताकि आप अपने छोटे बच्चों को लेके या हमारे यंग जो बच्चे हैं, युवा लोग जो हैं, वो जाके उस पैनोरामा को देख लेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट में समझ जाएंगे कि परशुराम जी की क्या जीवनी थी और किस वजह से परशुराम जी को आज हमारा समाज इतने जोरदार तरीके से मानता है। मैंने इसलिए ये 40 पैनोरामा पूरे प्रदेश के अंदर लगाए हैं और इस 40 पैनोरामा में लोक देवता, समाज सेवी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के इतिहास को याद करके आप अपने आप को, अपने समाज को, आप खुद गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, गौरव महसूस कर सकते हैं।